देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित कई मंत्री व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री व राज्यपाल ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। हाथरस के चंदप्पा के बिटिया प्रकरण में सीबीआई की छानबीन और पूछताछ जारी है। शनिवार को सीबीआई की टीम फिर से बिटिया के गांव पहुंची। सीबीआई की टीम ने आरोपियों के घर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। वहीं से पहले सीआरपीएफ की टीम चंदप्पा थाने पहुंची। यहां से सीआरपीएफ बिटिया के घर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। इससे पहले गांव चितावर के एक युवक को शुक्रवार की शाम को सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी। युवक नाबालिग आरोपी का दोस्त था। बिटिया के मामले में सीबीआई की पूछताछ व छानबीन लगातार जारी है। प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर सरकारी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि वर्तमान में विभिन्न पर्वों के आयोजन का समय है। ऐसे में जिलाधिकारी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश पर न जाएं। उन्होंने इनके अवकाश स्वीकृत न करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने जारी किए दिशा निर्देश में कहा कि इस दौरान कई जिलों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे रोकने की जरूरत है। बिखरू कांड के बाद दहशतगर्द विकास दुबे को फरार कराने के लिए जय वाजपेयी कार से रवाना हुआ था। शहर में जब पुलिस कर्मियों को देखा तो उसने अपनी व अन्य दो कारों को विजयनगर में खड़ा कर दिया और भाग निकला। जय को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस ने यह दावा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। वह शाम को पहुंचेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं अब उनके आने से पहले वाराणसी में एक विवाद सामने आ रहा है। चोलापुर थाने के सामने बने यात्री प्रतीक्षालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो लगे थे। इन्हें कुछ शरारती तत्वों ने फाड़ दिया है। जब इसका पता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चला तो उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में 28 अगस्त को हत्या के मामले में पुलिस ने आज खुलासा किया है। इस मामले में हत्या को अंजाम मृतक के सगे छोटे भाई ने किया था। पत्नी के साथ अवैध संबंध होने पर उसके सिर पर खून सवार था। पुलिस ने उसे 29 अक्टूबर की शाम को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से हत्या में प्रयोग पिस्टल, डबल मैगजीन व 10 कारतूस बरामद हुए। यह घटना चंदौली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के धूरीकोट गांव में हुई थी। पूर्वोत्तर रेलवे के नवागत महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने पूर्वोत्तर रेलवे की कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों की गहन समीक्षा की। महाप्रबंधक ने कहा कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जितनी भी परियोजनाएं हैं उसे तय समय में गुणवत्ता के साथ पूरा कराएं। आय में वृद्धि और खर्च में कटौती के लिए प्रभावी कदम उठाने की उन्होंने सलाह दी। महाप्रबंधक ने लेखा, परिचालन, वाणिज्य एवं निर्माण विभागों के कार्यकलापों की समीक्षा की। कहा कि संरक्षित एवं सुरक्षित रेल परिचालन के लिए हर स्तर पर सजगता बरतनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी शनिवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के साथ रामलला के दरबार पहुंचकर दर्शन किए। इससे पहले प्रहलाद जी ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। वह जन कल्याण योजना के प्रचार प्रसार को लेकर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा, राम मंदिर पर फैसला आने के बाद अयोध्या का माहौल बदला है। अयोध्या अब एकता की मिसाल कायम करेगी। जयपुर में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के जवाहरनगर थाने के पुलिस कर्मियों ने बिरहाना रोड के दवा व्यापारी को सितंबर में ब्लैकमेल कर 16 लाख रुपए हड़प लिए। कुछ दिन पहले दोबारा व्यापारी को जेल भेजने की धमकी देकर रुपए की मांग की। इस पर व्यापारी ने विजिलेंस टीम के साथ मिलकर जाल बिछाया और 25 अक्टूबर को जयपुर में दोनों पुलिस कर्मियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करवा दिया। जयपुर पुलिस ने दोनों पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। बिरहाना रोड निवासी पवन कुमार अरोड़ा की श्री गुरु तेग बहादुर नाम से दवा की फर्म है। पवन के चाचा हरदीप सिंह ने बताया कि राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की पुलिस ने जुलाई में नशीली दवाएं पकड़ी थी। ये दिल्ली की न्यूटेक हेल्थ केयर एजेंसी से सप्लाई की गई थी। इसी फर्म से श्री गुरु तेग बहादुर फर्म को भी दवाई सप्लाई होती है। लखनऊ में गोमती नगर के विपुल खंड निवासी पूर्व कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह के पालतू कुत्ते डूडल की नौकर राजेंद्र यादव ने डंडे से पीट पीट के हत्या कर दी। मंगलवार सुबह घटना की जानकारी केयरटेकर विवेक सिंह को मिली तो उन्होंने नौकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इंस्पेक्टर धीरज कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। विवेक सिंह ने बताया वह शारदा नगर के रुचिखंड एक में रहते हैं और पूर्व कैबिनेट सचिव के घर की देखरेख करते हैं। शशांक शेखर सिंह वृद्ध हैं और स्वास्थ्य कारणों से नोएडा में ही रहते हैं। यहां उनके मकान में नौकर राजेंद्र यादव और राजकुमार चार देशी नस्ल के कुत्तों की देखरेख करते हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।